अल्लाह अकबर। यकीन जानो ये दीनी मजालिस ऐसी मजालिस है, कल मैं सरगोदे में खत्मे नबूवत के जलसे में बैठा हुआ था, मैंने कहा हर साल आप मुझे बुला के मजमा जोड़ बयान देते हो, एक घंटा ईशा से पहले बयान करवाते हो, फिर मजमा जब जुड़ जाता है मुझे नहीं पता हजार होता है, 2000 होता है, 20000 होता है, लेकिन इख्तितामी दुआ तक अब्दुल हन्नान का हिस्सा शामिल हो जाता है। मैंने कहा लोगो खत्मे नबूवत वालो, आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत वालो, तुम मेरे से एक वादा करो, मैं भी तुम्हारे से वादा करता हूँ। बुढ़ापा है, पता नहीं जुबान बेकाबू हो जाए या जुबान नकारा हो जाए या जिस्म में अजीज नकारा हो जाए, हाथ पैर काम न करे, जुबान मेरी बोलने से कासिर हो जाए, कान मेरा सुनने से हाथ खड़े कर दे, दिमाग मेरा समझने से पहचानने से इनकार कर दे, फिर भी आलमी मजलिस तहफ्फुज़ खत्मे नबूवत वालो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत का प्रोग्राम हो, मुझे दावत देना। खुदा पाक की कसम मैं तकरीर सुनाने नहीं आऊंगा, बल्कि खत्मे नबूवत के जलसे में आने वाले मेहमानों की जूतों की हिफाजत करने के लिए आ जाऊंगा। रब्बुल आलमीन की कसम है, अगर जूतियों में बैठकर भी अल्लाह ने कबूल कर लिया, कयामत के दिन खुदा पाक की कसम हो सको सर पर कामयाबी का ये भी जरिया बन जाएगा। मेरे बच्चों हाथ जुड़वा लो या अपने पैरों में सर रखवा लो, अल्लाह की कसम मुझे आज बिल्कुल दिल के अंदर काफी तकलीफ हो रही है। मैं गोजरे गया सर के बाद बयान करके फिर पीर मेला के लेट गया, और मेरा इरादा था कि आज माजरत कर लूं, लेकिन आपकी मोहब्बत वहां चल के आई और मुझे यहाँ खींच लाई। अभी सुबह मेरे अजीजों कल 3 बजे जाके वो गड़ी हबीबुल्ला अब्बान सेरे से भी 2 घंटे का रास्ता आगे, 2 बजे वहां जाना है, फिर पता नहीं कहाँ कहाँ होते हुए आगे जाना है। अल्लाह की इज्जत की कसम है, अपने आप को थकाता हूँ, अपने आप को खपाता हूँ, ताकि इसलिए अल्लाह मुझे कब्र के अंदर आराम बता फरमा दे।